वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी व ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले की जांच को लेकर प्रदेश भर के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को छात्रों ने जेल भरो आंदोलन किया और पुलिस ने 60 से ज्यादा छात्रों को प्रतिबंधित धाराओं में गिरफ्तार किया। एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन की अगुवाई में कृषि छात्रों ने परीक्षा में धांधली और पेपर लीक होने के आरोप लगाए। छात्र 10 और 11 फरवरी को हुई कृषि भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए आंदोलन कर रहे हैं। इसके तहत छात्रों ने मंगलवार को जेल भरो आंदोलन की घोषणा की थी। जेल भरो आंदोलन के चलते यहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। इंदौर कृषि कॉलेज के बाहर कई छात्र पहुंचे और पीईवी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र दावा कर रहे हैं कि वरिष्ठ कृषि अधिकारी व ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा में सवालों के गलत उत्तर दिए गए हैं। साथ ही जो गलत उत्तर पीईवी द्वारा जारी आंसर शीट में थे वही टॉपर ने भी टिक किए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन सभी टॉपर रहे छात्र छात्राओं को पहले से ही उत्तर पता था। छात्रों ने कलेक्टर तक मार्च की घोषणा की और वे सड़क पर निकल पड़े। अभी ये छात्र कृषि कॉलेज से कुछ आगे ही बढ़े थे कि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच मामूली धक्का मुक्की हुई और पुलिस ने फिर इन छात्रों को हिरासत में ले लिया। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में यहां पूरी कार्रवाई की गई। छात्रों के खिलाफ प्रतिबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और जेल भेज दिया गया। आज हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया है और जिन लोगों को जेल जाना था वो जेल में नहीं है और जो ईमानदार छात्र जिन्हें अपनी मेहनत से एग्जाम किया था वो जेल में बंद है। आज किस तरह की व्यथा मध्य प्रदेश में हो गई है। शासन प्रशासन आज हमको 29 दिन हो चुके हैं लेकिन कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। व्यापक घोटाले को लेकर इस सरकार के कान में कोई जूं तक नहीं रेंग रही है और ऊपर से सिर्फ एक ट्वीट कर दिया कि हम जांच कराएंगे लेकिन जांच भी कब हो रही है। इसलिए हम लोग आज इंदौर में जेल में ही है। सारे जेल भरो आंदोलन किया था, समस्त कृषि छात्र हम लोग जेल में हैं। तो समस्त जितने भी है सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये तो अभी जेल भरो आंदोलन है, अगला हमारा 23 मार्च को फांसी दो आंदोलन होगा। इसलिए सभी से सरकार से तो निवेदन है कि इससे जल्दी से जल्द इस पर कुछ कार्रवाई करें। गिरफ्तारी हुई है अभी करीब 50 से 60 लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अपनी मांगों को लेकर रैली निकालना चाह रहे थे और कलेक्ट्रेट जाना चाह रहे थे। इनके पास परमिशन नहीं थी इसलिए इनको गिरफ्तार किया जाकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई धाराओं के अंतर्गत इनको सीआई जेल भेजा जा रहा है। नहीं, इनकी जो मांगे हैं व्यापम को लेकर कोई मांगे थी, इस संबंध में माननीय मंत्री जी यहाँ आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया था, जाँच गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। लेकिन इनका ऐसा कहना था कि समय ज़्यादा हो गया और हमारी जांच का नतीजा नहीं आया, तो प्रोसेस चल रहा है। इस संबंध में इनको बताया गया कि आप जाके वहाँ बात करिए। इनको वहाँ माननीय मंत्री जी आए तो उन्होंने बुलाया भी था कि आप भोपाल आ जाइए, कि बात तो बताइए, अपना पक्ष रखिए। लेकिन ये वहाँ नहीं जाते हुए इन्होंने यहाँ किया और बिना परमिशन ये रैली निकाल रहे थे, स्पेशल गिरफ्तारी की गई।